हापुड़ में 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी से मुठभेड़ में बाल बाल बचे एसपी दीपक भूकर। ततारपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस की कुख्यात लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। ब्लैक पल्सर लुटेरे को जैसे ही रोकने का इशारा किया, लुटेरे ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली एसपी साहब को तो दूसरी गोली कांस्टेबल को लगी, जिसके बाद लुटेरे बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कड़ा गैंग का कुख्यात लुटेरा मोनू उर्फ मैनुद्दीन बताया जा रहा है। ये एनसीआर में ही हाईवे पर लूट को अंजाम दिया करते थे। लुटेरे बदमाश पर अलग अलग लगभग 4 जिलों में करीब 20 मुकदमे दर्ज है, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश है। पुलिस ने उसे घेर कर मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे में 2 पिस्टल में खोखा व जिंदा कारतूस, लूटी हुई चेन व नकदी एवं बाइक भी बरामद की है। पूछताछ में पता चला है कि इसका एक और साथी, जो कि पूर्व में ही हापुड़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। मुठभेड़ हुई है, कौन मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है? जी, पुलिस के द्वारा जिसमें ततारपुर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मैं भी वहाँ मौके पर मौजूद था। उसी टाइम पे एक ब्लैक पल्सर से एक व्यक्ति जिसने हेलमेट लगा रखा था, वो पुलिस पार्टी पे फायर करके भागा। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और यहाँ असोड़ा के पास एक खेतों में जो अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा घेरा गया। पुलिस पे उसने फायर किया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी अभियुक्त पे फायरिंग की गई और इसमें एक हमारा कांस्टेबल जो है वो घायल हुआ है जवाबी कार्रवाई में, और जो अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है और हाथ में गोली लगी है। इसकी जो पहचान है मोनू उर्फ मैनुद्दीन से हुई है और इसके ऊपर 1 लाख का इनाम था और लगभग ये 4 जिलों से वांछित चल रहा था और इसके ऊपर जो मुकदमे हैं वो 30 के आसपास इस पर लूट के मुकदमे हैं और इसको गिरफ्तार करके और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, किस गैंग का सरगना है ये? देखिए, कि एक कड़ा गैंग बोलते हैं, जो कि एनसीआर रीजन में हाईवे पे लोगों के साथ ये चेन और अन्य जो सोने के आभूषण उनके द्वारा पहने जाते हैं उनकी लूट करके ये भाग जाते थे और इसके एक साथी जो है हापुड़ देहात में पहले भी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था, आज इसकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई।